दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी दोस्तों लाइव आ जाओ। देखो बहुत मजा आने वाला आज, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला। देखो आज मैं अलंकार का द एंड करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और आज अलंकार की महा प्रैक्टिस आपके सामने आ रही है, ठीक है। महा प्रैक्टिस की क्लास है दोस्तों, बहुत शानदार सी क्लास है। बस जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी आ जाइए। थोड़ा सा देखिए लेट हो जाता है यार इस काल में, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मेरी थोड़ी सी क्लास लगी रहती है और थोड़ा सा लेट कभी कभार हो जाता है। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। टाइम इज ओवर नहीं हो रहा है, अरे टाइम तो शुरू हो रहा है, ठीक है। यहां पे टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है। आज ही आज मुकाबला टक्कर का होगा, चाहे जीत होगा या हार नहीं, आज तो केवल जीत होगा। हमें केवल जीत लेना है, आज हारना नहीं है, आज हारना नहीं है आप सभी को, ठीक है। आइए देखिए अलंकार में महा प्रैक्टिस। आज तक मैंने कभी महा प्रैक्टिस नहीं करा है। आप कहोगे सर महा प्रैक्टिस की क्लास कैसी क्लास है दोस्तों? अभी तक मैं वन लाइनर में पढ़ाता था, लेकिन आज आपको मैं रियल क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको ऐसे प्रश्न दिखाऊंगा जो सच में आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए जैसे यहां पर एक प्रश्न दिया है, उल्टी सीरीज थोड़ी दिख रही है ना, कोई बात नहीं, सुनो। देखा 45 प्रश्न है दोस्तों, और ये 45 प्रश्न आपका भविष्य तय करेंगे कि अलंकार से आपका जीवन परिचय हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आओ हम लोग पढ़ते हैं, बहुत शानदार सी क्लास है। वीडियो को शेयर कर दो जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। सुनो पहला लिखा दोस्तों, अलंकार की बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक्सीडेंटल क्लास भी है। इतने एक्सीडेंट आपके होंगे ना कि आप बचने वाले नहीं हो, 2-4-10 क्वेश्चन में ही आप टाइम फिक्स कर देने वाले हो। बहुत ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करनी है। आप गलती कहां करते हो मैं वो सब आपको याद दिलाऊंगा। परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछता है आप क्या सोचकर गलत टिक करके आते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिखा क्या है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, और क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप जल्दीबाजी में आप करते हो गलत उत्तर। देखो सब लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया। सुनो लिखा है, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। अलंकारों का प्रयोग करने से क्या काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है? जी हां दोस्तों, याद रखेगा, वृद्धि होती है। लिख रहा, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। क्या बिना अलंकारों के काव्य रचना नहीं हो सकती? आप बताइए, हो सकती है कि नहीं हो सकती? तीसरा, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। आप बताइए, उत्पन्न करते हैं या नहीं करते हैं? अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभव आती है। आप बताइए क्या ऐसा होता है? देखिए ज्यादातर बच्चे, आहा मुझे पता था भैया आप गलत। पता है आंसर नंबर डी, आंसर नंबर 4, आंसर नंबर ए बी, सब टाइप का उत्तर आ गया। ज्यादातर लोग बता रहे हैं कि सर आंसर नंबर 4 होगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे बंधु, यहां पर जितने लोगों ने भी ऑप्शन नंबर 4 चूज किया है ना, जितने लोगों ने भी चूज किया है, उनका उत्तर क्या है? उनका उत्तर गलत है, उनका उत्तर गलत है, ठीक है। और जिन्होंने एक बार ऑप्शन 4 चूज कर लिया है वो जरा ध्यान देंगे, अब उनका चांस खत्म, वो दोबारा उत्तर नहीं देंगे। मां कसम दोबारा उत्तर दे दिया, मम्मी कसम है दोबारा उत्तर आपको नहीं देना। बचे हुए बच्चे बताओ, देखो बच्चे में बच्चे बता रहे हैं कि सर यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 कि अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, यह भी आपका गलत उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 दिया है उनका उत्तर क्या है? गलत है, उनका उत्तर गलत है। दोबारा आप भी ऐसे होता है एक्सीडेंट, पहले क्वेश्चन में लड़ गए, भिड़ गए, क्या हो गया, क्या हो गया, गए ना आउट, आउट, चलो और आउट हो जाओ। और बताओ भाई, अह अब जब 2 कट गया तो केबीसी का 50-50 हो गया, अब तो उत्तर बता दो। चलो अब तो मुझे पता है ज्यादातर बच्चे सही उत्तर देंगे, बच्चे बता रहे हैं ए। चलो मान लिया कि आपका उत्तर एक बार फिर से गलत हो गया, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। पूछो सर कैसे लड़ गया, मुझे पता भी नहीं चला, सर कैसे हुआ है पॉसिबल, सर ये मुझे बता दो, ठीक है। तो सुनो मेरी बात सुनो। लिखा क्या है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में। देखिए अलंकारों का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है वो बताना है। दोस्तों अलंकारों का जब प्रयोग किया जाता है तो उससे काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है, और आपसे असत्य पूछा है तो ये बात तो सही है, ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन आपसे असत्य पूछा तो असत्य के मामले में गलत हो जाएगा। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, बिल्कुल सही, याद रखेगा, बिना अलंकारों के काव्य रचना
रचना हो ही नहीं सकता। कोई भी काव्य रचना होगा किसी न किसी तरीके का अलंकार तो घुसा ही होगा, चाहे शब्दालंकार, चाहे अर्थालंकार, चाहे उभय अलंकार, चाहे उसमें से कोई भी टाइप का अलंकार, क्योंकि बिना अलंकारों के काव्य रचना संभव नहीं है। यह बात भी उतनी ही सत्य है। अगला पॉइंट क्या लिखा है कि लिखा है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अरे पैदा नहीं करते हैं, ये काव्य की सौंदर्यता को बढ़ा देते हैं, ये उत्पन्न नहीं करते, ये उत्पन्न लिख के दोस्तों ये जो पैदाइशी की बात कर दिया, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर, यहां पे आप गलत कर रहे हैं। याद रखिएगा उत्पन्न नहीं करता है, इसके वजह से काव्य की सौंदर्यता बढ़ जाती है। उत्पन्न करना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। प्रियंका वर्मा जी कह रही हैं सर मेरा उत्तर सही था। बहन जी अगर आपका उत्तर सही था तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ी ताली मेरी तरफ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मजा मजा। चौथा लिखा दोस्तों अलंकारों से काव्य में रोचकता। हां भाई, अरे अलंकार पढ़े रोचकता नहीं मिला, साड़ी बीच नारी की नारी बीच साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी। हां कल इतना बढ़िया बढ़िया आपको बताया, ठीक है, कि वो अपनी जुल्फों को धूप में खोलकर चली और सूरज भी शर्मा गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है, क्या इसमें आपको रोचकता नहीं नजर आ रही? रोचकता में और का अपना दिल फाड़ के दिखा दूं आपको, ठीक है, रोचकता तो है ना यहां पे। तो याद रखिएगा रोचकता भी है और प्रविशुरता भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां जिन्होंने गलत उत्तर किया समझ जाए, सावधान इंडिया, एक बार फिर से सुनिएगा अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दा अलंकार है, कौन सा? कल हम लोगों ने दोस्तों अलंकारों के बारे में मुख्य रूप से पढ़ा था कि दोस्तों एक होता आपका शब्दा अलंकार, थोड़ा बड़ा गा हो गया, ठीक है, और एक होता दोस्तों आपका अर्था अलंकार। शब्दा और अर्था दो चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे शब्दा अलंकार के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अलग अलग वैरायटी के पढ़े इसमें, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ठीक है, अलग अलग पढ़ा, ठीक है। यहां जरा बताइए मुझे, बताए 45 आप लोग उत्तर कैसे देंगे, ना उत्तर आप लोग ऐसे देंगे, देखिए जैसे 44 है ना, तो लिखेगा 44A, 44B, ठीक है, 44C, आप लोग ऐसे उत्तर दीजिएगा भाई, तब तो मैं समझ पाऊंगा, अन्यथा फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आपका उत्तर क्या है। लिखा है कौन सा शब्दालंकार है, अरे भाई पहले दिन मैंने आपको पढ़ाया था अलंकार के पांच प्रकार। पहले दिन हम लोग पढ़े थे अनुप्रास अलंकार के बारे में, हम लोग पढ़े थे यमक अलंकार के बारे में, हम लोग पढ़े थे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में, ठीक है, ये सब पढ़े थे ना। याद रखेगा दोस्तों ये जो अलंकार होता है दोस्तों, ये सब क्या होता है, ये अलंकार आपके शब्दा अलंकार होते हैं। यहां पर याद रखेगा शब्दा अलंकार में ये पार्ट्स आ जाते हैं, शब्दा अलंकार में आएंगे, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने यहां पर गलत जवाब दे के रखा था, गलत जवाब आपके लिए खतरनाक होता है, खतरनाक, ठीक है। तो याद रखेगा, अभी मैं फिर आपको कंफ्यूज किया हूं उत्प्रेक्षा बोल के, याद रखेगा उत्प्रेक्षा, अरे आप लोगों, चलो मैं एक बार याद करा देता हूं आपको, ठीक है। सुनो, हम लोगों ने सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ा, शब्दालंकार के बारे में, शब्दा में सबसे पहले क्या पढ़ा, अनुप्रास के बारे में पढ़ा, और अनुप्रास के अंदर जाकर के हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, ठीक है, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, शेखानुप्रास, ठीक है, इस तरह के अनुप्रास के कुल पांच वैरायटी देखे, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, उसके बाद कनक कनकत सहगुणी मादकता अध्याय हम लोगों ने पढ़ा यमक अलंकार में, फिर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों चिपका हुआ अलंकार, कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार, कौन सा पढ़ा, वक्रोक्ति पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था विप्सा, क्या पढ़ा था, विप्सा, ठीक है, विप्सा अलंकार। ये दोस्तों स्पेशली याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, इनको शब्दा अलंकार में रखा जाता है। इन पांच को याद रखिए, क्योंकि अर्था को याद कर नहीं पाएंगे, अर्था की सूची बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो बाकी के जो पढ़ते हैं आप, ये रूपक पढ़ते हैं, ये उत्प्रेक्षा पढ़ते हैं, ये सब के सब अलंकार, अतिशयोक्ति पढ़ते हैं, ठीक है, अन्योक्ति पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब जो पढ़ते हैं दोस्तों, वो सब के सब क्या होते हैं, अर्था अलंकार होते हैं। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कौन सा शब्द अलंकार है, ऐसे जल्दीबाजी में चलोगे ना तो लड़ जाओगे, याद रखना मेरी गलती नहीं है, अभी दो तीन क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला हूं मैं, ठीक है, और एकदम तैयार होकर सही सही जवाब देना, उम्मीद करता हूं सही दोगे। सुनो, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं, शब्द अलंकार मतलब शब्द अलंकार कौन सा नहीं है। देखो, जो शब्द अलंकार नहीं होगा वो क्या होगा, अगर वो शब्द नहीं होगा तो अर्था होगा। तो आप यह समझ लो आपसे पूछा रहा है कि कौन सा अर्था अलंकार है,
कौन सा अर्था, पहले वाले में शब्द पूछा, अभी अर्था पूछ रहा है। दोस्तों अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके शब्द अलंकार होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके शब्द अलंकार होते हैं, ठीक है। और आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा जो शब्द नहीं है मतलब रूपक। रूपक क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, रूपक आपका क्या है, ये आपका अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार है। बोलो मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? सर बिल्कुल मजा आया। परीक्षा में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन बनते हैं अलंकार से। अलंकार बहुत डिफिकल्ट है। अभी आज पता बहुत सारे अलंकार में एक से एक आपको बताने वाला हूं, शायरियां होंगी, खूब मजा आएगा आप सभी को पढ़ के। बस खाली आप लड़ते भिड़ते चलो। आगे देखो 42वां कह रहा है कि आपको यहां पे भरना है, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना और बताना है कौन सा अर्थालंकार है। अर्थालंकार ना कौन सा, देखो अनुप्रास। अनुप्रास क्या होता है दोस्तों, ये तो शब्द में आता है। अतिशयोक्ति, अन्योक्ति दोस्तों ये सब कहां पर आता है, ये अर्था में आता है। क्या क्या? जैसे अतिशयोक्ति दे दिया, जैसे अन्योक्ति दे दिया, जैसे उत्प्रेक्षा दे दिया, जैसे जैसे उपमा दे दिया, दोस्तों ये सब कहां आते हैं, सब इसमें आ जाते हैं। और यमक और श्लेष भी क्या होते हैं दोस्तों, ये भी आपके शब्द अलंकार होते हैं। आपसे क्या पूछा, अर्थालंकार ना, तो बताइएगा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो ना सर, हमको नितिन सर इतना अच्छा पढ़ा दिए कि हमको इन सब प्रश्नों से डर नहीं लगता है, ठीक है। अरे पूछना है तो कुछ दमदार पूछो। और आज मैं अपेक्षा करता हूं, आज आप सारा रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, आज मेरे लिए आप सारा रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। जिन्होंने लाइक नहीं किया है जल्दी से अंगूठा दे दो ना, वरना एकलव्य की तरह मांग लूंगा आप सभी का अंगूठा, ठीक है। जल्दी से लाइक कर दो। अरे अंगूठा क्या यार, लेके क्या करूंगा मैं, इतना भी निर्दयी नहीं हूं, ठीक है, कि अर्जुन को जिताने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले लिया जाए। नहीं, आप सभी का अंगूठा आपके पास रहे, भगवान आपको एक एक अंगूठा और दे दे, ठीक है। तो याद रहे, बस लाइक कर दो यार, इतनी बातें हैं। 5-10 उंगली दी है भगवान हाथ में, उसमें से एक अंगूठा नहीं दिखा सकते हमें, ठीक है। जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो लाइक फटाफट, और वीडियो को आगे बढ़ा दो। आगे देखिए दोस्तों, कर निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। फिर से एक बार कंफ्यूज कर रहा है, फिर से एक बार कंफ्यूज कर रहा है, कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अगर अर्थालंकार नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है दोस्तों कौन सा शब्द अलंकार है। तेरे की पूछा भी तो क्या क्वेश्चन पूछा जी, लिख रहा है दोस्तों विरोधाभास, विभावना। मैं कहना आप अर्था याद कर सकते हो, शब्द याद कर सकते हो, अर्था याद ही नहीं कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, इसमें जो श्लेष लिखा है, ये श्लेष हो गया, आपका अनुप्रास हो गया, आपका यमक हो गया, ये सब दोस्तों किसमें आता है, ये सब आपके शब्द अलंकार कहे जाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये शब्द अलंकार कहे जाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर का जो दे रहा दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका अर्थालंकार है। और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका अर्थालंकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा था शब्द, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। किसी का क्वेश्चन गलत हुआ क्या, गलत नहीं होना चाहिए गलत, ठीक है। चलो आ जाओ आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, चलो अब अलंकार हम लोग समझ चुके हैं। सर बड़े बड़े क्वेश्चन कराओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में मजा नहीं आता है। सर ऐसा क्वेश्चन कराओ जहां सच में दिमाग फेल हो जाए और याद वाद ना आए दिमाग से कि सर इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में अलंकार कौन सा है, में अलंकार कौन सा है। चश्मा है क्या, चश्मा है, चश्मा लगा के चेक करते हैं अलंकार कौन सा है। ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था पहला वर्ड पकड़ो, देखो स क्या दिया है, स स स स, ठीक है, स याद रखे, ये तो ढेर सारा स है। ये भाई जब स आता है तो क्या होता है, अनुप्रास होता है। क्या होता है? अनुप्रास। तो याद रखेगा यहां पर अलंकार कौन सा, अनुप्रास। ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन बनता आप सभी क्या क्या होगा यहां पर, अनुप्रास। समझ में आया कि नहीं, कल पढ़ाया था अच्छे से ना। बस क्या होगा, खाली सौ देख लिया तो ये सब जो लिखा था समझ में आ गया, इसका अर्थ जानने की जरूरत। अब कोई जरूरी क्या, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अर्थ निकालने का जरूरत आपको, हां आप खाली अलंकार पहचानिए, आपके परीक्षा में परीक्षक को इतना ही चाहिए, ठीक है। अलंकार बताइए कौन सा है और जल्दी से जाइए, क्योंकि इतना समय नहीं होता वहां पे कि आप इसका अर्थ निकालो, देखो काव्य की शोभा का पता करो। साहित्य थोड़े पढ़ने आए हो आप, पढ़ रहे हो व्याकरण। 30-40 सेकंड का समय होता है, 30-40 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना है, सही उत्तर देना है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, सब कुछ सही है, लेकिन गलत हो जाए क्वेश्चन ये मजा नहीं आएगा। आगे पढ़ो, अगला लिखा है, सुने, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कुल सो जल परमन हित मनहु सुहाए। तो क्या हो जाएगा, पढ़िएगा ध्यान से, क्या लिख रहा है, त
त त त अरे वाह 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 वाह, जहां वर्णों का रिपीटेशन चालू हो जाए बस वहां अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। ओहो अरे भाई, यहाँ पे तो मिक्स दे दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सुनो, अगला स्टाइल क्या था दोस्तों? रिपीटेशन मैंने आपको समझाया था, जब ऐसे ऐसे वर्डों का रिपीट होने लगे कि ढेर सारे वर्ड आ जाएं, तो वहां पर अनुप्रास कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। क्या बना है? गोला बना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोला हो जाएगा। याद रखेगा, वृत्त्यानुप्रास क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लिखा है शब्द अर्थ अलंकार, शब्द अर्थ को सब मिला दिया। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी बना दिया। ठीक है, तो याद रखेगा, सिंपल ना, तरणि तनुजा तत्तमाल। अब भूलोगे क्या? अब परीक्षा में भूलोगे? अरे भूलेंगे नहीं, अनुप्रास कभी आ जाएगा ना, चौमप्रास समझ के खा जाना है। ठीक है, अनुप्रास को चौमप्रास समझ लेना। आगे देखो दोस्तों, 38वां क्वेश्चन देखो क्या दिया, ध्यान से पढ़िएगा। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। ये तो वही वाली बात हुई। कौन सी वाली बात हो गई दोस्तों, बताइए? हमको लिख्यो है कहां, हमको लिख्यो है कहां, हमको लिख्यो है कहां, कहन सब लगे। ठीक है, कहन सब लगे। जब एक ही वाक्य का रिपीटेशन चालू हो जाए, पूरा का पूरा वाक्य ही रिपीट होने लगे, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, बस याद रखना। अच्छा, इसका एक बढ़िया ट्रिक मुझे याद आया। ठीक है, कभी ऐसा आए ना तो याद रखना, ये आपको लग रहा है बोलना नहीं चाहिए, फेसबुक इस पे हूं, यूट्यूब पे हूं, जरा ध्यान से देखना, धीरे से सीक्रेट वाली बात है दोस्तों, बुरा मत मानना, हंसी मजाक के लिए याद कराना जरूरी। देखो, मैं नहीं बताऊंगा तो आपको याद नहीं होगा, और अब जो बताने वाला हूं कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं दोस्तों। कभी पेट में लूज मोशन होता है जब, तो आदमी क्या करता है, लोटा लेके बार बार जाता है, एक ही काम बार बार, एक ही काम बार बार, कैसे? लोटा के साथ। कैसे? धीरे से बताना, दूसरे को बताना मत, पड़ोसी जान जाएगा, मजा किरकिरा हो जाएगा। ठीक है, धीरे से। समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आ गया ना? तो देखो, जब बार बार लोटा वाला काम हो जाए, यहां पकड़ना, लोटा अनुप्रास। ठीक है, लाटा अनुप्रास से लोटा अनुप्रास, कुछ बच्चे इतना मगन हो जाते हैं, इतना मतलब क्या, इसमें क्या मिल गया, कितना रस मिल गया। ठीक है, रस अगला चैप्टर पढ़ा जाएगा, इसमें अलंकार चल रहा है, कितना रस मिल गया, देखो कितना मजा आ गया। तो बुरा मत मानना, मैंने पहले कहा आपको याद कराने के लिए बोला, अब जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। ठीक है, याद रखेगा, लाटा अनुप्रास हो जाएगा, लाटा अनुप्रास लोटा अनुप्रास। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, अगला पढ़िए दोस्तों, अगला क्या लिख रहा है, ध्यान से पढ़िएगा समझिएगा। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, लिख दिया दोस्तों, एक बार हो या अनेक बार हो, ये अनेक बोल दिया भाई, अनेक बोल दिया तो बन गया क्या आपका, अनेक बोल दिया तो क्या बन गया, ये वृत्त्यानुप्रास बन गया। ये छोटा मोटा काम मत बताया करिए हमको। ठीक है, जब एक बार होता, जब एक बार होता, एक बार हो या बार बार हो, एक बार हो तो छेकानुप्रास, और बार बार हो तो वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास, और बार बार अगर लेके दौड़ने लगे तब लोटानुप्रास। क्या हो जाएगा? लोटानुप्रास। समझ गया ना? छेकानुप्रास, जब एक वैरायटी, कल बताया था ना कुत्ता कैसे घेर के खड़ा था, लेकिन कुत्ता की वैरायटी एक ही थी। ठीक है, तो बताया मैंने छेकानुप्रास, उसके बाद अगर बार बार होने लगे तो क्या हो जाएगा? वृत्त्यानुप्रास, और बार बार दौड़ने लगे अंदर बाहर तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा लोटानुप्रास। क्या हो जाएगा? लोटा, लाटानुप्रास। ठीक है, चलो गुजराती शब्द है, सुनना ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका वृत्त्यानुप्रास इस प्रश्न के लिए। ठीक है, आओ पढ़ो दोस्तों 36वां प्रश्न, ध्यान से पढ़ना और इत्मीनान से उत्तर देना, मजेदार चीज है। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने तंदे। अरे तो काहे क लिख दिए, तुमको क्या लगता था हमको क आता नहीं है? लो क, हमने पढ़ा है कि एक कहीं वर्ड की आवृत्ति जब बार बार होने लगे तब वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वहां पे अलंकार होगा चमप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा? अनुप्रास अलंकार। मजा आया कि नहीं? मजा आया। मैं तो पहले ही कह दिया भाई, देखो हिंदी की क्लास में मैं थोड़ा सा गंभीर मुद्रा से हटकर पढ़ाता हूं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा बचपना चलता है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आपको जोड़ने के लिए रस बनाना पड़ता है। ठीक है, याद रखे। चलिए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं यार? सारे क्वेश्चन हमको हल करने, कैसे भी करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखे, रिझि रिझि रहसी रहसी, हसी हसी उठें, सांसें भरी आंसू भरी, कहत दर्द दई। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, कहत दई दई, दर्द नहीं, कहत दई दई। दोस्तों यहां पर कौन सा है? बार बार वही सवाल। ठीक है, अरे एक ही चीज जब बार बार आए तो अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अब अगर पूरा का पूरा वाक्य रिपीट होता, हमको ऑप्शन मिलता अनुप्रास के अंदर का, हम लोटा लेके दौड़ लेते हैं। यहां
पे तो जनरल दिया है सर, अनुप्रास अलंकार, सर कुछ नया पढ़ाइए। अनुप्रास हमको जीवन भर के लिए याद हो गया, यहां से हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, सर कसम खाते हैं यहां से क्वेश्चन हम गलत करने वाले नहीं है। चलो आप कहते हो दोस्तों, तो मैं यहां पर प्रश्न का लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। लिखा है मुदित मनोहर मानस देखा, म म म, जहां आवृत्ति बार बार, समझ जाओ अलंकार कौन सा, वहां पे है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। देखना है, उत्तर बताना है। लोग कहते हैं हम आपको ये करा देंगे, वो फार्मूला, ये फार्मूला क्या लगाना, स्टडी 91 पे यहां फार्मूला वार्मूला नहीं चलता, ठीक है। वीडियो को दोस्तों और बढ़ाओ, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन आज का क्लास होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो याद रखे दोस्तों, रघुपति राघव राजा राम, तो क्या हो गया, बार बार र दिखा, उत्तर क्या है, अनुप्रास। अब कभी गलती होगा क्या, सर कभी नहीं होगा सर, बस ऐसे ही ना आप यमक पढ़ा दीजिए, श्लेष पढ़ा दीजिए, सर पूरा पढ़ा दीजिए, पूरा पढ़ाएंगे बच्चों, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। आप खाली देखते जाओ, देखते जाओ, आज कमाल की क्लास है। देखो खाली मैं बोलता नहीं मुंह से, खाली ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दूं, महा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के नाम पर भूसा भरा है उसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है। महा प्रैक्टिस लेबल होगा क्वेश्चन का। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, बताइए, तीन बेर खाती थी वो तीन बार खाती है। देखिए एक तरफ कह रहा तीन बेर, बेर मतलब दोस्तों यहां पर बार, जैसे आप कितने बार खाना खाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, वो बार की बात कर रहा है, ठीक है। और ये तीन बेर की बात क्या कर रहा है, बेर खाया जाता है ना, बैर जानते हैं ना, बैर, उसी को बेर कहा जाता है। दोस्तों यहां पर दोनों बेर का मतलब क्या है, अलग है, ठीक है, दोनों बेर का मतलब अलग है। और जहां कहीं ऐसा होता है कि एक ही शब्द के दो मायने निकले, जैसे हमने पढ़ा था कनक कनक तै सौ गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग, जो खाए बौराए सब, जो पाए बौराए, ठीक है। तो क्या था, कनक का दो मतलब, एक धतूरा एक सोना, जब एक ही शब्द लिखा हो मतलब दो ठो निकल जाए अलग अलग, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं यमक अलंकार। दोस्तों दो मतलब निकल गया, दोनों बेर लिखा था, मतलब अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार है। कम से कम चार छह क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई देता हूं, ठीक है, ताकि भविष्य में कनक कनक के अलावा आपको याद हो जाए। तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, यहां पर भी याद रखेगा। चलिए वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है, यहां बताइए क्या है, मनुष्य तो आदमी को ही कहा जाता है। अरे तो आपको किसने रटा दिया कि दोस्तों अभी तक आपने जो रटा था, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, अभी तक आपने पढ़ा था शब्द एक होगा अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने पढ़ा कि एक कनक का मतलब धतूरा पढ़ा, दूसरे कनक का मतलब सोना पढ़ा, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया बेर का, जिसमें एक बेर का मतलब क्या पढ़ा, यानी दानी पढ़ा, दानी मतलब क्या है आपकी पारी, ठीक है, दानी पारी कुछ भी कहिए, ठीक है, याद रखिएगा ये पढ़ा, और दूसरे बेर का मतलब आपने फल पढ़ा, तो ऐसे दो चीजें पढ़ा। अब यहां पर क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये एक मनुष्य क्या है, एक मनुष्य की तरफ इशारा किया जा रहा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां पर भी इंडिकेशन दो अलग अलग लोगों की तरफ किया जा रहा है, याद रखिए, इसलिए यहां पर भी यमक अलंकार होगा। आप अर्थ ढूंढने मत निकल जाइएगा, जंगल में जाएंगे कुछ मिलेगा नहीं, खाली हाथ आना पड़ेगा, याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी यमक अलंकार होगा। डोंट मोर कंफ्यूज, ठीक है बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परीक्षा में आपको कंफ्यूज किया जाता है, होना नहीं है, होना नहीं है। स्टडी 91 पे आके आने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो जाओ, फिर नितिन सर का काम क्या है, काहे लिए हम नितिन सर से पढ़ रहे थे, नितिन सर ही जरूरी थे क्या। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काली, यहां पर काली का मतलब काला से है, और घटा का मतलब क्या दोस्तों, घटा मतलब बादल से, किससे है, घटा मतलब बादल से, ठीक है। और घमंड घटा, इस घटने का मतलब क्या है, घटने से है, यानी कम होने से, क्या है, कम होने से, ठीक है, याद रखिएगा। और मैंने आपसे बताया कि जब कभी एक ही शब्द दो अलग अलग अर्थ देने लगे, याद रखिएगा, वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर याद कर लिया जाएगा। अगला पढ़ो, करा इस पंक्ति में बताओ कि कहां पर यमक अलंकार का भेद नहीं है, मतलब लो तीन तीन लाइन में यमक अलंकार भरा पड़ा है, यहां पे कोई तीन जगह पे यमक अलंकार है, बाकी जगह पे नहीं। सुनो, लिख रहा है सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, बताओ बुझा बुझा यहां पर दिख रहा है आपको। चलो दूसरा पढ़ो, तीन बेर खाती थी, सर ये तो कंफर्म है कि यमक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो कंफर्म है।
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, कर का मन का डार दे। दोस्तों एक मन का यहां पर है और एक मन का यहां पर है। खग कुल कुल सा बोल रहा। खग कुल मतलब एक तरफ पक्षी की बात हो रही है, कुल कुल मतलब कलरों की बात करिए, जो पक्षियों की आवाज होती है उसको कलरों कहा जाता है। दोस्तों कल मैंने इसको पढ़ाया था उदाहरण के रूप में, तो सर दो तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में यमक अलंकार है। बचता है उत्तर नंबर एक और उत्तर नंबर तीन। चलो 50-50 खेलते हैं, 50-50 खेलते हैं बच्चों। आप ट्राई करो। केबीसी चल रहा है दोस्तों, 29वां में बहुत सारे बच्चों ने कहा ए और बहुत सारे बच्चों ने कहा तीन। भैया मैं क्या मानूं, एक चीज डिसाइड करके बताओ। जिस जहां पर ज्यादा कमेंट आएंगे मैं वही मान लूंगा, जहां पर ज्यादा कमेंट आएंगे मैं वही मान लूंगा। आप बताओ जल्दी से यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आइए चलिए छोड़िए, मैं बता दूं दोस्तों यहां पर जो तीसरा वाला है यह भी क्या है, आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा यमक अलंकार नहीं है दोस्तों, तो ये सूरज है जग का बुझा बुझा, यहां पर यमक अलंकार नहीं है। दोस्तों यहां पर एक नोट लिखो, क्या नोट लिखो, नोट लिखो जो बता रहा हूं लिखो, गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि यमक अलंकार और ये जो बात बताने जा रहा हूं इसमें इतने लोग गलती करते हैं जिसकी कोई हिसाब नहीं। याद रखिए एक अलंकार होता है जिसका नाम है पुनरक्ति प्रकाश अलंकार। क्या नाम है, पुनरक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है, पुनरक्ति प्रकाश अलंकार। इसमें क्या होता है, अरे क्या होता है, क्या होता बताओ, ठीक है, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ, ये साथ साथ का मतलब अलग नहीं है, ठीक है। अरे तुम्हें पढ़ाकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्या हो गया, ये बाग बाग अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे सर पढ़ाइए, ये धीरे धीरे अलग नहीं है, ठीक है, वही है। सूरज है जग का बुझा बुझा, ये बुझा बुझा अलग नहीं है, ठीक है, ठीक है, बुझा बुझा अलग नहीं है। सर एक एक वीडियो और दीजिए अलंकार पर, ठीक है, ये एक एक अलग अलग नहीं है। जब लिखा दो बार हो लेकिन मीनिंग एक ही हो, मतलब वहां पे अर्थ अलग अलग ना निकले, तो याद रखिएगा वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ना कि यमक अलंकार। याद रखोगे, ठीक है सर, अपने दिल पर लिखवा लेते हैं इस बात को, ठीक है, गलती नहीं करेंगे सर, आपने बता दिया गलती नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे ना कि सर इतनी जबरदस्त क्लास कहां से दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस तरह की क्लासेस मैं इंडिविजुअल में बना रहा हूं, हिंदी इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी यूट्यूब पे आपने कला देखा है, सोचो अगर ऐसी प्रैक्टिस मिल जाए आपको कहां पर, इंडिविजुअल हिंदी की क्लास में, अरे तो क्या बात क्या बात क्या बात, फिर तो हिंदी में डरने की बात नहीं है। और सर अगर इतना खुश होकर आप पढ़ाएं तो सर हमको तो लगता है कि आप मतलब पढ़ने का मजा ही अलग है। हाँ तो आइए, बहुत जल्द बैच आपके लिए बनकर आपके सामने आ रही है, हिंदी इंडिविजुअल की स्पेशल क्लासेस बन रही हैं इसी तरह से, ठीक है, जब आ जाएगा देख लिया जाएगा। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, 28वां बताइए। सजना है मुझे सजना के लिए, आय हाय, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना क्या है, एक सजना मतलब तैयार होना, एक सजना मतलब तैयार होना, ठीक है, एक सजना मतलब तैयार होना, और दूसरा सजना मतलब क्या है, ठीक है, सजना तेरे प्यार में मैं दीवानी हो गई रे, तो वो सजना मतलब समझिए, सजना सजना मतलब जिसको प्रेमिका प्यार करती है, ठीक है, अपना पति मानती है, ठीक है, वो जो नायक है उसको कहा जाता है सजना, ठीक है, कोई नायक या नायिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां पर सजना कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा मीनिंग अलग अलग। उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं, वीडियो को और शेयर करिए, बहुत तबीयत खुश हो रही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार। ए भाई श्लेष अलंकार में क्या होता है, सर आपने बताया था श्लेष में सर चिपक जाता है, एक ही वर्ड में चिपक जाता है, सुनिए क्या होता है, देखिए लिख रहा है श्लेष अलंकार। अच्छा पूछा श्लेष अलंकार होता है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, सर ये शब्द अलंकार होता है, हमको याद हो गया, दोबारा हमसे मत पूछिए, ठीक है, हमको याद हो गया, ठीक है भैया चेंज करते हैं, गुस्सा काहे हो रहे हैं। आगे देखिए करा, किन्हीं पंक्तियों में जब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त किया गया हो परंतु उसके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो तो उस अलंकार में क्या पाया जाता है, फिर पूछ दिए सर, आपसे मना किए थे ना, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार के बारे में आप हमसे बात मत कीजिए। अरे तो यार उत्तर टिक करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे ले चलते हैं, घबराइए मत, ना किसी को नहीं। लिखा क्या है, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल,
धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, बताइए यहां पर कौन सा अलंकार, बताइए यहां पर कौन सा। सर 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 सर, अरे धीरे धीरे, साथ साथ, बाग बाग, एक एक, लाल लाल, ठीक है। यहां पर अलंकार कौन सा? सर यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सर कंफ्यूज मत करिए, देखिए हम भी टैलेंटेड लोग हैं, स्टडी 91 के बच्चे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो को और शेयर कर दो, थोड़ा सा कम है, मजा आ जाएगा, और जल्दी लाइक दे दो भैया, हाथ जोड़ दिया, ठीक है। दंडवत कर नहीं सकता, करूंगा तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा सब लोग लाइक करेंगे, मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। आइए पढ़िए, कह रहा विप्सा अलंकार को किस नाम से जाना जाता है? विप्सा अलंकार को याद रखे दोस्तों, विप्सा अलंकार, क्या लिखा है? विप्सा अलंकार को, बताइए विप्सा, विप्सा कहां पढ़ते हैं? यह शब्द अलंकार का पांचवा टाइप था। पहला टाइप क्या था? पहला टाइप था च्वमप्रास अलंकार, अनुप्रास, च्वमप्रास, समझा करो मेरी भाषा में, यमक अलंकार। तीसरा टाइप क्या था दोस्तों? आपका श्लेष अलंकार। चौथा टाइप क्या था? आपका वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा टाइप क्या था? विप्सा अलंकार, ये वही वाला है पांचवा टाइप, ठीक है। बताइए विप्सा अलंकार को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, विप्सा अलंकार को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जो अभी आप पढ़ रहे थे ना, लाल लाल, धीरे धीरे, पीला पीला, साथ साथ, बाग बाग, ये सब क्या है? ये सब पुनरोक्ति प्रकाश है, और इसी को क्या कहा जाता है? विप्सा अलंकार कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? विप्सा अलंकार कहते हैं। क्या सर, कब से हम परेशान थे, विप्सा पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ विप्सा पढ़ रहे थे, पता ही नहीं चला ना कैसे यमक से विप्सा पे आ गए। चलो कोई बात नहीं, आज के बाद याद रखना, गलती नहीं होनी चाहिए, सामने आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, चाहे आप स्टडी 91 का पेड क्लास लो या मत लो, लेकिन हिंदी में हमको कोई हरा नहीं सकता है, यह भावना आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। 23वां प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए, इसका उत्तर दीजिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, बताइए, ठीक है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, बताइए जल्दी से, ट्राई मारिए, ट्राई मारिए, ट्राई मारिए, कुछ नहीं आएगा तो नितिन सर है ना कुछ ट्रिक तो दे ही देंगे, ठीक है, कि इसका आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं, आइए बताएं, जल्दी बताइए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, आपको बताऊं यहां पर जो पानी शब्द है दोस्तों ना, ये जो पानी शब्द है, इस पानी का मीनिंग आप अभी दो पढ़ रहे थे, ठीक है, दो पढ़ रहे थे, अब यहां पर इस पानी का मीनिंग याद रखेगा, मोती के लिए अलग, मोती के लिए इस पानी का मीनिंग अलग, और इसके अलावा याद रखेगा मानुष, मानुष यानी मनुष्य के लिए इस पानी का मतलब अलग, और चून मतलब ये जो चूना है दोस्तों, चूना, चूने का पानी वो भी कह सकते हैं, इसके लिए इसका मतलब अलग। मोती के लिए देखा जाए दोस्तों, तो मोती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है चमक, क्या है? चमक, ठीक है, तो मोती के लिए इस पानी का तात्पर्य क्या है? चमक। मनुष्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इज्जत, ठीक है, तो मनुष्य के लिए लोग बोलते हैं ना यार, शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, मतलब आपकी इज्जत खत्म हो गई, ठीक है, इतनी बड़ी बात बोल के चला गया। और चूना के लिए दोस्तों, ये जो चूना होता है, चून या चूना, इसके लिए पानी का मतलब क्या होता है? जल। तो दोस्तों ये जो मीनिंग निकल के आया, ये यहां पर निकल के आया कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, याद रखेगा अलंकार कौन, मैंने कहा एक शब्द जब कई अर्थ चिपके हो, तो चिपकने का मतलब क्या होता है? श्लेष अलंकार, ठीक है, याद रखे कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। गलती नहीं करोगे ना, करोगे क्या गलती? अरे लाइक कर दो, ऐसे बच्चे जो लाइक नहीं किए, दो भाई लाइक दो जल्दी से, और क्या चाहिए, आ जाओ और तेजी से पढ़ाता हूं, लगता है तब आप लाइक दोगे। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? जहां गांठ तहां रस नहीं, ठीक है। अब देखिए, आपने ऊंक का वो देखा है, ऊंक देखा है ना, ऊंक तो देखा ही होगा दोस्तों, ठीक है, ये जो ऊंक देखा दोस्तों आपने, ये जो ऊंक देखा, थोड़ा ऊंक बना दूं तब आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है, ये जो ऊंक देखा दोस्तों, अरे यार ये जो दोस्तों ऊंक देखा आपने ना, ऊंक जो देखा है आपने, ऐसे होता है ऊंक, ठीक है, अभी ऊंक होता है दोस्तों, इसी ऊंक में क्या होता है, बीच बीच में गांठें होती है, क्या होती है दोस्तों, यहां पे बीच बीच में क्या होता है, ऊंक में ये गांठें पाई जाती है, क्या होता है पूंछ में, ये बीच बीच में क्या होता है, ऊंक में ये गांठें पाई जाती है, ठीक है, ये ऊंक में क्या होती है, गांठें होती है। और आपको पता है कि जो गांठ होता है ना, उस गांठ पे अगर इस वाले पोर्शन की बात किया जाए, तो इस वाले पोर्शन पे रस नहीं पाया जाता। कभी आपने ऊंक चूहा है? अगर ऊंक चूहते होंगे तो आपको पता होगा कि इस ऊंक में
जो गन्ना होता है जिसे ईख कहते हैं, ऊख कहते हैं, कुछ भी कहिए, गन्ना कहिए, ठीक है, यहां पर जहां गांठ होता है वहां पर इसमें रस नहीं पाया जाता, एक तो ये है। तो यहां पर गांठ का मतलब इस ईख वाले गांठ से, एक मतलब ये है, एक मतलब तो आपका ये है। और दूसरा मतलब इसका है दोस्तों कि अगर मान लीजिए किसी का किसी के साथ जुड़ाव है, क्या है दोस्तों, किसी का किसी के साथ क्या है, जुड़ाव है, अगर उसमें गांठ पड़ जाए, जैसे हमारी आपसे बड़ी मित्रता है, ठीक है, या आप हमारी क्लास बहुत अच्छे से देखते हैं, आप हमको अपना गुरु मानते हैं, ठीक है, और मैं भी आपके साथ उतना ही स्नेह उतना ही प्यार देता हूं और जो भी आपकी जरूरतें मैं पूरा करता हूं, बहुत अच्छा रिलेशन हमारा आपका चल रहा है, लेकिन किसी वजह से मान लीजिए मैंने भविष्य में कुछ ऐसा कर्म कर दिया जो आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो क्या होगा, इससे हमारे और आपके रिश्ते में गांठ पड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, गांठ पड़ जाएगी। या मैंने आपसे कहा कि मेरे भाई आप पढ़ लो, आप मुझे गुरु मानते हो, भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, मैं आपको जो दे रहा हूं पढ़ लो, आपकी परीक्षा में बहुत आपको मदद मिलेगी, ठीक है, आप नहीं माने, ठीक है, नहीं माने, आपने गलत किया, और इससे क्या हो गया, हमारे और आपके रिश्ते में दरार पड़ गया, गांठ पड़ गया। तो दोस्तों जहां गांठ पड़ जाता है वहां रस नहीं होता। एक रस का मतलब क्या है, एक जो ऊख से या गन्ने से जो रस निकलता है, एक रस मतलब जो हमारे आपके अंदर बातचीत से क्या था, ये जो मधुर रस था, ये जो आप कमेंट कर रहे हैं, ये जो अपना लाड प्यार दे रहे हैं स्टडी 91 को, ये जो आप चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ये वाला जो रस है, ये रस भी चला जाता है। तो मतलब एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हैं, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। देखो मेरी हर संभव कोशिश रहती मैं आपको समझा ले जाऊं, हर संभव प्रयास रहता आपको समझा ले जाऊं, बाकी समझना तो आपको है ना। चलो आगे देखो दोस्तों, अगला देखो, जहां उपमा अलंकार, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, गलती नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा आप ज्यादा कठिन वीडियो आएगा। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, अरे जहां शब्दों में निहित होता है उसे शब्दालंकार, जहां अर्थ में निहित होता है उसे अर्थालंकार, जहां दोनों में निहित होता है उसे उभयालंकार, क्या कहते हैं, उभयालंकार। तो यहां क्या पूछा है, अर्थ पूछा है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्थालंकार आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो दोस्तों, 20वां प्रश्न, ध्यान से पढ़िए, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। सर फिर पूछ दिया आपने, मैंने आपसे मना किया, नहीं बता के जा रहा हूं, बता के जा रहा हूं, अर्थालंकार नहीं है, मतलब आपसे पूछा है कौन सा शब्दालंकार है, तो शब्दालंकार दोस्तों कौन सा है, याद रखिएगा, शब्दालंकार में सर आपने बताया था, सर अनुप्रास बताया था, सर ने यमक बताया था, सर ने श्लेष बताया था, सर ने वक्रोक्ति बताया था, सर ने विपसा बताया था, यहां पे क्या है, यहां पे यमक दिया है, सर चौथा नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, घबराइए मत, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, लगता है आज आपसे पिटवा के रहेगा मुझे, ठीक है, श्लेष यमक वक्रोक्ति, ये तीनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये आपका हो जाता है शब्दालंकार, क्या हो जाता है, ये शब्दालंकार हो जाता है, और आपसे पूछा कौन सा अर्थालंकार है, याद रखेगा रूपक हो जाएगा, रूपक यहां पे अर्थालंकार है। चल रहा हूं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, सुनो आ जाओ अगला देखो, अब तो खुश हो ना, पढ़ो 18वां क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा दोस्तों, करा खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, सुने खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, ठीक है, याद रखे दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, पहले सोचो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था बहुत गजब की टेक्निक यहां पे है, पता है ऐसे सवालों में आपको डरना ही नहीं, ऐसे सवालों में तो खाली आपको देखना है और उत्तर बता देना, मैंने आपको बताया था क्या, सम समान, ठीक है, सम समान, और जहां पे आप कंपेयर करते थे सा सी से, याद आया, सा सी से वाला सी तो दिख रहा है, जहां पे सी दिख जाए, सी 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 दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आ जाओ क्या है, उपमा अलंकार है, क्या है, उपमा अलंकार है, याद रखेगा, जहां सा सी से सम समान इस तरह के वाचक शब्द दिख जाए, क्या है, ये आपका वाचक शब्द है, जहां पर इस तरह के वाचक शब्द दिख जाए, याद रखिएगा अलंकार कौन सा, उपमा अलंकार, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार होगा, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ो, कर दीप सा, हटो काटो, सर ने समझाया कि सा सी से सम समान सही कुछ भी दिख जाए, याद रखिएगा यहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा, यार पूछा ही नहीं आपसे, पूछा वाचक अलंकार, वाचक कौन सा है, ठीक है ना, तो वाचक यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सा आपका वाचक हो जाएगा, ऐसी की तैसी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे ना पूछा करो, ठीक है, आ जाओ 16वां सवाल, ध्यान से पढ़ना, देखो जल्दी इतना खुश मत हो जाना कि कहीं लड़ भिड़ जाना, ठीक है, खुश इतना भी मत हो जाना कि इसमें कहीं लड़ भिड़ जाना, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीज गुराबी रंग, ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था सी सा से सम समान, ज्यों 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 भी
यहां पर था, अगर कल वाली वीडियो आप जाके देख लीजिए आपको मिल जाएगा, वहां पर एक क्या दिया था दोस्तों, ज्यों शब्द था। और ज्यों को देखा तो क्या नजर आया, ज्यों को देखा तो उपमा नजर आया। क्या नजर आया? उपमा अलंकार है, क्योंकि तुलना करने के लिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जब आ जाता तो पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सा अलंकार है, पढ़ना नहीं है, वो ढूंढिए जो हमको चाहिए, वो ढूंढिए जो हमको, जैसे आप मॉल में जाते हैं ना, मॉल में बहुत सामान रहता है, तो कई लोग जो टाइम पास करने जाते हैं सब देखते हैं, और जिनको काम का चीज लेना होता है, जो घर से डिसाइड करके जाते हैं कि वो मॉल जाना है और यही सामान लेना है, तो वो खाली मॉल में जाकर वही देखते हैं जो उनको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, वैसी नजर आपकी भी होनी चाहिए। यूट्यूब पर जब देखते हैं तो देखा करिए कि हमको कहां टिकना, जहां स्टडी 91 आ जाए टिक जाना वहीं पर, ठीक है, जहां नितिन सर का फोटो चेहरा दिख जाए मान लेना है वीडियो को, और लाइक कर दो। अभी 200 लाइक कम है, 200 लाइक कम है, अगर देख रहे हो दोस्तों आप सभी, मजा आ रहा है तो 200 लाइक और दे दो, जल्दी से मैं वीडियो को ओवर कर देता हूं। आगे देखो दोस्तों, करा आती है शून्य क्षितिज, पढ़िएगा, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी, पगली सी देती फेरी, सर दे दिए ना सी, जहां सी वहां ही, कौन कौन ही, उपमा ही, क्या हो जाएगा, उपमा ही। सर ये सी क्या टेक्निक दिया सर आपने, किस कसम से, ठीक है, टेक्निक गजब का दिया दोस्तों, अलंकार की तो ऐसी की तैसी, अलंकार की ऐसी की तैसी। टेंशन है क्या कोई, बोलो टेंशन है क्या, अरे कंपेयर करा ना, यूट्यूब पे जितना ढूंढना होगा ढूंढ लेना, आपको सबसे टॉप पे जो वीडियोस नजर आएंगे ना वो सब स्टडी 91 के नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि पता है आपको, एक हमारी वीडियोज है संधि की, ठीक है, संधि की और तत्सम तद्भव की, तत्सम तद्भव की वीडियो को, तत्सम तद्भव जो हमारी क्लास है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करिए तत्सम तद्भव, आपको टॉप पर स्टडी 91 नजर आएगा, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा, ऑल ओवर इंडिया तत्सम तद्भव की सबसे ज्यादा प्लेइंग हुई है। कितना दोस्तों, 8.6 मिलियन वाचिंग है, कितना है, 8.6 मिलियन, यानी 86 लाख बार ये वीडियो देखा गया, कितना, 86 लाख बार, ठीक है, और 50 लाख से ऊपर में हमारी आपको संधि की वीडियो, चाहे वो स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, ये सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, सब 50 लाख से ऊपर की क्रॉसिंग है, ठीक है, इतना इतना वीडियो व्यू चल रहा है, विश्वास नहीं हो जाके देख लेना, मतलब कुछ तो क्वालिटी होगी हिंदी में, ठीक है, तो क्वालिटी ऐसी है, कल को इस पे भी आएगा 1 करोड़ का व्यूज, 1 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ सर आएगा, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए, पी पर पात सरिस मंडोला, अरे सा सी से सरिस ज्यों, ये सब क्या होता है, ये सब कहां होता है दोस्तों, बस देखिए और बताइए यहां पर क्या है, उपमा अलंकार। अरे भाई ये तो अलग पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दोस्तों सिंपल सी बात कि सर ऐसे में मुझे बताइए कि यहां पर मन, मन जो शब्द दिया है ये मन क्या है, अर्थ इसमें क्या हो गया, कल पढ़ाए तो थे सर, उपमेय पढ़ाए, उपमान पढ़ाए, वाचक शब्द पढ़ाए, साधारण धर्म पढ़ाए, और क्या पढ़ाए, वाचक शब्द सा से समसमान, ये सब क्या है, वाचक शब्द हो जाएगा, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय जिससे तुलना की जाती है, उपमान और जिसके लिए जिस उद्देश्य से की जाती है वही क्या होता है, वही आपका वाच वो होता है, क्या बोलते हैं, साधारण धर्म होता है, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर क्या हो जाएगा, पीपर पास, पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर उपमेय अलंकार नजर आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह मन की बात कर रही है, तो पीपर पात, पीपर पात क्या हो जाएगा, यह उपमान है क्योंकि उसकी तुलना इससे किया जा रहा है। अच्छा, कल बच्चा शायद कमेंट भी किया था, मैंने यहां पर कुछ गलत बताया था क्या आपको, अगर गलत बताया तो सही कर लीजिए, पीपर पात यानी पीपल के पत्ते की तुलना दोस्तों, पीपल के पत्ते की तुलना, याद रखेगा पीपल के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है, तो यहां पर दोस्तों याद रखेगा मन क्या हो जाएगा, यह उपमेय हो जाएगा, और हां ऊपर वाला उपमान हो जाएगा। और हां एक बच्चा था बहुत मैसेज कर रहे थे कल, वो मैं नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, सुसवारी, ठीक है, अगर आज वीडियो देख रहे हैं सुसवारी, उन्होंने कहा कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, सही भी कहा उन्होंने, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये प्रकृति से संबंधित होते हैं, प्रकृति से संबंधित होते हैं, और ये जो होते हैं दोस्तों ये नेचर मतलब मानव से रिलेटेड होते हैं, कोई ना कोई मानव से रिलेटेड होता है, जो आपका क्या होता है, उपमेय होता है, उपमेय जैसे मन क्या है, मानव है, ठीक है, तो याद रखेगा। और उपमान क्या होता है, ये प्रकृति से संबंधित, जैसे सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता जी व्यक्तिवाचक, व्यक्ति में आती हैं, और अगर वो मानव से संबंधित हैं तो याद रखेगा वो होगा उपमेय, यानी वो उपमेय हो गई, और जो चंद्रमा है उसको आप प्रकृति से रिलेटेड मान सकते हैं, और उसकी तुलना जब कर दिया आपने तो चंद्रमा यहां पर उपमान हो गए, ठीक है। तो ऐसे महानुभाव अगर आ जाए तो मुझे कमेंट करें, मैं जरूर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं, 13 क्वेश्चन देखिए, लिखा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, सर पढ़ा दिया रटा दिया, क्यों बार बार वही पढ़ा रहे हैं, सर सा देखेंगे तो उत्तर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, सर कुछ डिफरेंट पढ़ाइए, ठीक है, डिफरेंट पढ़ाएंगे भाई, पढ़ तो लो, अब ये अपने तरफ से थोड़े लेकर आ रहा हूं, ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, सर
आई दैया सब कॉपी पेस्ट सर मेरा उतार रहे हैं, पता नहीं किसका उतार रहे हैं। मैं तो बता तो रहा हूँ, ये सब पेपर का क्वेश्चन है, आपके किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, किसी किताब उताब में नहीं है, पेपर से कलेक्ट करके ला रहा हूं, आप क्या समझते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे आगे देखिए, थोड़ा और वीडियो शेयर करिए दोस्तों। आप दिल बहुत खुश कर दिया आप सभी ने, कसम से ऐसे अगर आप रोज दिल खुश कर दो ना तो एक से एक वीडियो ला के दूं आपको। एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, ठीक है, नंदन वन सा सुंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जहां पर आप सा सी नजर आए ना, बस जान जाना दोस्तों कौन सा अलंकार। अरे अरे अरे, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, यहां पे थोड़ा सा रुकिए दोस्तों और बहुत ध्यान से आप देखिएगा समझिएगा और तब बताइएगा। ये सा सी से जो देखा और जहां पर ऐसा हुआ इसको आप कहां डालेंगे, ये सा सी से गलती से इसमें बताएगा विभावना इसी के जैसा होता है, लेकिन ना ना उपमा दिया है ना, अभी विभावना नहीं, विभावना का क्वेश्चन अभी आगे लेके आ रहा हूं, विभावना प्रतीप सबका आएगा, घबराइए मत, ठीक है। वो देखा सा इसको बताया, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा दोस्तों, पढ़िएगा ध्यान से, चरण कमल, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, चरण कमल, ध्यान से पढ़िएगा, चरण कमल बंदो हरिराई, पूछने वाली कुछ बात है क्या, चरण कमल बंदो हरिराई, बताइए कुछ आप बताइए अपने मन से, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, सर यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, क्या होगा रूपक अलंकार, तो हम कहां कह रहे हैं आपको कुछ, ठीक है, याद रखे जहां उपमेय को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया जाए बस वहीं रूपक हो जाता है, ठीक है, भगवान के रूप वाली बात है कि उपमेय को उपमान में प्रस्तुत कर देना, चरण कमल बंदो हरिराई, याद रखेगा इसमें सिंपल है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, यहां पर याद रखे दोस्तों, यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका रूपक अलंकार, रूपक अलंकार होता ही ऐसा, थोड़ा सा आपको पहचान करने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये अंबर पनघट में, पनघट में मैंने बताया था दोस्तों, पनघट का संधि विच्छेद बहुत खतरनाक बताया था ना, पनघट का हो जाता है दोस्तों, पनघट में क्या हो जाता है, पानी धन घाट, क्या हो जाता है, पानी धन घाट बराबर क्या होता है, पनघट होता है, हाँ बहुत खतरनाक है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका रूपक अलंकार। संतों भाई आई ज्ञान की आधीरे, संतों भाई आई ज्ञान की आधीरे, याद रखें यहां भी रूपक है। जैसे आप जब समास पढ़ाता हूं मैं आप सभी को तो बताता हूं तत्पुरुष वाले को कम याद करो, बाकी सबको याद रखो, जहां कुछ ना समझ में वहां तत्पुरुष मार देना, ठीक है, वो ऐसा ही कुछ दोस्तों यहां पर भी है, याद रखेगा यहां पर भी क्या हो जाएगा रूपक। ये चार पांच लाइन जो है ना ये रूपक वाले, इनको रट लो, परीक्षा में इससे ज्यादा किसी को आता ही नहीं है कि और कुछ पूछा जाए आपसे, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर ही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कह रहे मैया मैं तो चंद्र खिलाऊं ना ले हूं, याद रखेगा यहां पर भी क्या है रूपक अलंकार है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का एक वो है, ठीक है, वाद है यहां पर कि अपनी यशोदा माता से कैसे जिद कर रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर भी आपका रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, तो क्या हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलाओ ना ले हो, यहां पर भी क्या हो जाएगा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, क्या हो जाएगा रूपक, याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहां पर होता है रूपक अलंकार में, सबसे ज्यादा घटना कहां घटती है रूपक अलंकार में, यही आपसे होती है क्या गलती, ठीक है। चंद्र रूपी खिलौना, उसकी तात्परता बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, झरनों का पानी, ध्यान से पढ़िएगा वरना गलती होगा फिर से, ठीक है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़ रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो, सावन हो घल काले काले, ठीक है। तो यहां पर क्या दोस्तों, झरने से पानी गिर रहा था और जो गज है यानी हाथी, वो अपने सूंड से पानी को लेकर के ऐसे जैसे बौछार करते ना, ऐसा कर रहे थे, मानो जल बरस रहा क्या हो, सावन घन काले काले, दोस्तों यहां पर भी अच्छा ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया, यहां पर बदल जा रहा है दोस्तों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का जो है पद्यांश बता रहा है, यहां पर बदलेगा, यहां पर याद रखेगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। रूपक और उत्प्रेक्षा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिए कई सारे बच्चे यहां कंफ्यूज हो गए, लोग उपमा बता रहे हैं, अरे उपमा तो तब होता है ना जब सासी से कुछ दिखता उगता, कुछ तो दिखा नहीं यहां पर, तो इसलिए उपमा मत करिए। श्लेष अलंकार की कोई चर्चा नहीं, क्योंकि एक ही शब्द का मल्टीपल अर्थ निकलेगा नहीं, ठीक है। यमक अलंकार भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पे क्या दोस्तों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें बताइए क्या दोस्तों, सोहत ओढ़े पीत पठ श्याम सल
चलो नेगात, मानो नील मणि सैल पर आतप पर यो प्रभात। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, याद रखेगा, यहां पर भी क्या होगा, ये आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा रूपक, ठीक है, मैं अभी इस पर और रिसर्च जारी कर रहा हूं कि इस पर और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं, वरना इसको दो तीन पॉइंट्स को आप अच्छे से इसको याद कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाए दोस्तों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण यहां पर दिए जा रहे हैं। आपसे चौथा प्रश्न डायरेक्टली पूछ रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए, काली घटा का घमंड घटा, ये घटा घटा पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, यहां पर घटा घटा का मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा ये अलग अलग हो जाएगा, जैसे कनक कनक ते सौगनी, तो यहां पर हम लोगों ने यमक को देख लिया था। ठीक है, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। ठीक है, अच्छा, और देखिए ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती या उषा उदास आती है। तो बताइए दोस्तों, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, तो देखिए कंफ्यूजन वाली बात यहां पर है ये कि ज्यादातर लोग यहां पे गलत करते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में एक चीज बता दूं आपको, उत्प्रेक्षा अलंकार में याद रखेगा, अभी ये घर घर दिया है ना, घर घर के लिए हम लोग पढ़े थे दोस्तों, ये पार्ट बढ़ जा रहा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रकाश पुण्योक्ति के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विप्सा वाले में जो देखा हम लोगों ने वहां पर, लेकिन यहां पर याद रखेगा इसमें मानो घर घर ना हो कोई चिड़ियाघर हो, इसमें क्या होता दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जाता, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। क्यों? क्योंकि जब कभी उपमेय में, मैंने क्या बताया है कि जब कभी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो याद रखे दोस्तों वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्षा, ऐसी इच्छा से किया गया, तो याद रखेगा उत्प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा, और वैसे भी इसमें एक वाचक शब्द आता है, इसकी पहचान हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, उत्प्रेक्षा की पहचान हो जाती है, खाली रूपक की पहचान दिक्कत होता है। उत्प्रेक्षा की पहचान मैंने बताया था आपको, जानो मानो जानो मनो, क्या बताया था, जानो मानो जानो मनो। ठीक है, जानहु मनहु, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि आप ये घर घर को देख करके डिस्टर्ब ना हो जाओ, उसके पहले वाला भी शब्द देखो यहां पर दिया दोस्तों मानो, तो आप इसको भी लेके पढ़ सकते हैं, मानो जानो जानहु जनहु मनहु मानहु, ये सब इसके योजक शब्द होते हैं, योजक नहीं वाचक शब्द होते हैं, क्या होते हैं, वाचक होते हैं। तो इस तरह से आप मान लेना, आप सीधे सीधे आपको पता चल गया कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, कोई दिक्कत, थोड़ा सा वीडियो को और शेयर कर दो भाई, थोड़ा सा 150 वाचिंग और बढ़ा दो, आज मजा आ जाएगा। ठीक है, 2.5K हो चुके हैं, निवेदन आप सभी से, एक जोर और बांधिए, मेरा 3 क्वेश्चन और खत्म हो जाने वाला, जोर थोड़ा सा बांध दीजिए प्लीज, निवेदन आप सभी से, थोड़ा थोड़ा देखिए, सब लोग अगर आगे बढ़ा देंगे ना तो ज्यादा लाइक्स हो जाएंगे और ज्यादा लोग भी आ जाएंगे, थोड़ा सा मदद कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए आगे आइए दोस्तों, ये तीसरा पद पढ़िए, तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़िए, उत्तर दीजिए। ठीक है, पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के चलना। अब बिनु बिनु सुने बिनु काना, यानी बिना कान के सुनना। कर बिनु कर्म, यानी बिना कर्म करे, करे विधिना, हमारा सब काम हो जाए, यानी जहां बिना कार्य किए ही सारे कार्य हो जाए, वहां पर अलंकार कौन सा, ऐसी बात आ जाए तो क्या होगा, विभावना अलंकार। कौन सा, विभावना। और जहां आपको एक जगह बैठे बिना कुछ किए पूरा अलंकार याद हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या, हां इसी तो विभावना अलंकार कहते हैं। और यही काम तो स्टडी 91 करने में माहिर है, ये काम करने में स्टडी 91 क्या है, माहिर है। ठीक है, कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, याद रखे दोस्तों यहां पर अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। आगे पढ़िए दोस्तों, अगला पढ़िए, निदक निया निदक नियरे रखिए आगन कुटी छवाएं। ठीक है, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल कर सुभाय, कैसे, जहां बिना 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 आ जाए, बिना से विभावना, बिना से विभावना, जहां बिना आ जाए बस क्या करिएगा, जहां बिनु बिना ऐसा शब्द आ जाए, समझ जाइए विभावना अलंकार है। क्या है, विभावना अलंकार है। अरे टेंशन नहीं लेते हम लोग, ये चाहे 4 लाइन लिख दो चाहे 8 लाइन लिख दो, ठीक है, उत्तर तो हम बता ही लेंगे, सर ने ऐसा पढ़ाया कि उत्तर हम लोग बता लेंगे, तुमको लाइन जितना लिखना है लिख लो। ठीक है, लिख लो। देखो राजपूत जी का मैसेज आ रहा है कि 200 लाइक दे दें, राजपूत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार दिखा रहे हैं कि इतने लाइक, सही अगर आपके पास होता तो आप जरूर दे देते। ठीक है,
चलो आ जाओ दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन आज का है, ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। पढ़िए क्या लिखा है, दिए गए में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए या अनुरागी चित्त की गति समुझाई नाही। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, श्याम और किमी कहो बखानी बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, तो बताइए दोस्तों यहां पर पूछा है विभावना अलंकार क्या पूछ दिया। अरे मैंने बोला ना ये बिनु बिनु जब मिल जाए बिना बिनु शब्द, यही क्या हो जाएगा विभावना अलंकार, बाकी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद रखेगा एकदम सिंपल था। और ऐसे करते करते आपने क्या कर लिया दोस्तों, यहां पर आपका वीडियो का हो गया द एंड। तो कैसा रहा आज का ये आपका महा प्रैक्टिस क्लास, ठीक है महा प्रैक्टिस बैच। दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि कल आपका संडे है और संडे को कल ध्यान से सुनिए, मोस्ट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है दोस्तों। कल मैं आप सभी को दिन भर में स्पेशल क्लासेस चलने वाली है सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे दोस्तों आपको स्टैटिक जीके का महा प्रैक्टिस क्लास, आज हिंदी महा प्रैक्टिस किया ना इसका शुरुआत हो चुका है। आज 10 बजे आपने 9 से 10 महा प्रैक्टिस क्लास किया, सुन के 2 मिनट बाद जाइए, महा प्रैक्टिस क्लास है हिंदी का किया। अभी रात में 11 बजे करंट अफेयर की महा प्रैक्टिस क्लास, आज रात 11 बजे। अभी 10 बजे क्या किया आपने, हिंदी का किया। ठीक है, रात को 11 बजे याद रखें 9 से 10 आपने किया। ठीक है, रात को 11 बजे करंट अफेयर की महा प्रैक्टिस क्लास। ठीक है, करंट अफेयर की यहां पर आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा पूरा वीक का, पूरा एक हफ्ता में जितना भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हुए सब। कल सुबह 10 बजे से फिर जारी होगा लड़ाई। ठीक है, कल सुबह 10 से 12। ठीक है, स्टैटिक जीके का होगा खात्मा। ठीक है, स्टैटिक जीके का ये सब महा प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है। ठीक है, महा प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, मतलब ऐसा निचोड़ ना मजा आ जाए, क्या गजब का जूस मिलने वाला कल आपको। ठीक है, 10 से 12, उसके ठीक बाद दोस्तों पहला स्टैटिक जीके। ठीक है, उसके ठीक बाद आपको मिलेगा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हिस्ट्री का पैकेज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, उसके बाद मिलेगा आपको पॉलिटी का पैकेज। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा जियोग्राफी का पैकेज। उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद मिलेगा साइंस का पैकेज। सर क्या बात क्या बात क्या बात, एक दिन में सब पढ़ा देंगे क्या सर? हां, कल जरूर आना आप सभी को लाइव, कल चाहे कुछ भी हो जाए संडे बढ़िया से यूटिलाइज करना। क्यों? अरे भाई आपका एग्जाम आने वाला है, एक एक दिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन करते हुए चलेंगे, नुकसान एक दिन का भी नहीं होना चाहिए, मस्त होके कल पढ़ाई करना है। कल पूरा दिन बस खाली जीके जीएस का तहलका होगा, जीके जीएस का तहलका होगा दोस्तों। तैयार रहेगा और कोशिश करिएगा, अगर आ सकते हैं तो आज रात 11 बजे जरूर हाजिर होइए। 11 बजे करंट अफेयर की महा प्रैक्टिस क्लास, पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर एक दिन में, एक सप्ताह का जितना पूरा पूरा पूरा, एक दिन की छुट्टी नहीं, पूरा पूरा करंट अफेयर एक दिन में पढ़ाने जा रहा हूं मैं, खुद अभी आ रहा हूं 11 बजे से पढ़ाने। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल आप जरूर आइएगा, आपका बहुत बहुत इंतजार रहेगा। ठीक है, यह महा प्रैक्टिस क्लास है, बहुत शानदार सी क्लास है, पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि सर जबरदस्त क्लास है। ठीक है, इसके अलावा स्टडी 91 बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी दे रहा है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 91 के प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आपको क्लास दी जा रही है। अभी पीटी का मॉक टेस्ट क्लास चल रहा है, बहुत गजब की क्लास चल रही है दोस्तों। उस मॉक टेस्ट क्लास में क्या है, सुबह के 10 बजे मिलता आपको टेस्ट, 3 घंटा टेस्ट दीजिए, शाम को 7-8 वीडियो सॉल्यूशन जारी किए जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, एक बार जीके जीएस, एक बार हिंदी, एक बार करंट अफेयर, एक बार मैथ, एक बार रीजनिंग, एक बार इंग्लिश। ठीक है, सब वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, जितना क्वेश्चन आपने गलत किया सही किया अपने हिसाब से गुणा गणित बिठा लो। 30 दिन जब लगातार आप एग्जाम दोगे, अरे एग्जाम की औकात क्या है कि आपका साथ छोड़ दे, आपके साथ तो आएगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि जितने बच्चों ने हमारे साथ एक कोर्स ज्वाइन किया वो सभी बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे और बहुत मजा आ रहा होगा। एक सिंगल बच्चा भी अगर इसमें बता दे कि सर आपके इस मॉक टेस्ट में मजा नहीं आ रहा है, कसम से पैसे वापस, वादा कर रहा हूं आपसे पैसे वापस। क्यों? 599 रुपए में जितनी क्लास आपको दी जा रही है और जिस क्वालिटी के हिसाब से क्लास दी जा रही है, वाकई आप कहोगे सर 599 में एक कायदे का जींस नहीं मिलता। और 30 दिन सर आपने लगातार परीक्षा करा दिया, उत्तर प्रदेश सरकार एक परीक्षा करा नहीं पा रही है, सर आपने 30 दिन परीक्षा कराया, सर बहुत बढ़िया, 30 दिन परीक्षा भी कराया, 30 दिन आपको सलूशन भी दिया, 30 दिन के लिए आपको पीडीएफ भी दे रहा हूं और 30 दिन का आपको वीडियो सलूशन भी दिया जा रहा है, ताकि अगर आपने गलती किया तो अपनी गलती आप सुधार सके। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। पीडीएफ दोस्तों, पीडीएफ कल संडे है, कल से पीडीएफ मिलेगा, जितना पढ़ाया गया एक साथ पूरा पीडीएफ मिल जाएगा जीएस का, और उसको आप देख करके फिर रिवीजन कर लीजिएगा। अरे मेरा काम है यार पीडीएफ देना, ठीक है, टेंशन नहीं, टेंशन ना को। चलो मिलते हैं 11 बजे, आज की क्लास होती समाप्त, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।